This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हमेशा अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। एलन मस्क के ट्वीट्स हर इंसान को हैरानी में डाल देते हैं। वो कभी भी किसी भी टॉपिक पर अपनी राय देना नहीं भूलते, और इस बार तो मस्क ने एप्पल को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने एप्पल की खिलाफत करते हुए कहा है कि एप्पल के ऐप स्टोर पर लिए जाने वाले चार्जेस की तुलना इंटरनेट पर डिफैक्टो ग्लोबल टैक्स से की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने एपिक गेम्स का भी समर्थन किया है। दरअसल मामला कुछ यूं है कि फोर्टनाइट की क्रिएटर एपिक गेम्स ने पिछले साल अगस्त में एप्पल के खिलाफ एक कानूनी वाद दायर किया था। एपिक गेम्स का आरोप है कि एप्पल फोन मार्केट में अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करती है। कंपनी ने यह मामला एप्पल के एप स्टोर से उसका गेम हटाने के बाद दायर किया था। पिछले साल एपिक गेम्स ने अपनी ऐप के अंदर ही एक पेमेंट सिस्टम फीचर जोड़ा था, जिससे आईफोन बनाने वाली एप्पल के कमीशन से बचा जा सके। इसके बाद एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से कंपनी की ऐप को ही हटा दिया। एप्पल ने इस मामले में कोर्ट में अपनी ऐप स्टोर पॉलिसी का बचाव किया है। ये झगड़ा तो एपिक गेम्स और एप्पल के बीच का है, लेकिन एलन मस्क एपिक गेम्स और एप्पल के बीच के झगड़े में कूद पड़े हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मस्क एप्पल से भिड़े हों। इससे पहले भी मस्क ने एप्पल पर निशाना साधा था। मस्क ने कहा था कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल टेस्ला की तुलना में अपनी बैटरी में ज्यादा कोबाल्ट का इस्तेमाल करती है। एलन ने एप्पल पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसलिए दिया क्योंकि उनका कहना है कि उन पर आरोप है कि टेस्ला अपने व्हीकल्स में बहुत सारे कोबाल्ट का यूज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मुकाबले एप्पल अपने आईफोन्स और लैपटॉप में अपनी बैटरी में लगभग 100% का कोबाल्ट यूज करता है। दरअसल एप्पल इलेक्ट्रिक सेल्फ ड्राइविंग कार डेवलप करने की योजना बना रही है, जिसके प्रोजेक्ट कोड का नाम टाइटन हो सकता है। एलन मस्क का बयान इस व्हीकल में किए जा रहे कोबाल्ट के इस्तेमाल की ओर इशारा करता है। इसी बीच मस्क ने एक रिपोर्ट का भी खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने एक बार एप्पल के बॉस टिम कुक के साथ टेस्ला के संभावित अधिग्रहण और एप्पल का सीईओ बनने से संबंधित बातचीत की थी। मस्क ने कहा कि उन्होंने और कुक ने कभी ना तो बात की और ना ही एक दूसरे को कोई मेल लिखा। मस्क ने एक दूसरे ट्वीट में कहा है कि एक समय था जब उन्होंने कुक से मिलने की इच्छा रखी थी ताकि एप्पल के टेस्ला को खरीदने के बारे में बातचीत हो सके, लेकिन कुक ने मिलने से मना कर दिया। तब टेस्ला की वैल्यू आज की वैल्यू की 6% थी। आपको बता दें कि एलन मस्क ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या 5,70,00,000 है, जो कि किसी भी दूसरे बिजनेसमैन के मुकाबले बहुत ज्यादा है। उनके एक ट्वीट से मैसेंजर ऐप सिग्नल रातों रात पॉपुलर हो जाता है, तो देखते ही देखते क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जमीन पर आ जाता है। और इस बार तो मस्क ने एप्पल पर ही हमला बोल दिया है।